नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, शॉर्ट हैंड प्रसाद स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। एंड T20 प्रीवियस ईयर NTPC टेस्ट GS टेस्ट सीरीज आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। कल मैंने फ्रासियोग्राफी का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 6 से, और उससे आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग का ग्रामोलॉक्स। उसके बाद आप लोग इस पर लिखना सीखेंगे किस तरह से लिखा जाता है, और फिर आगे वाले चैप्टर में आगे बताएंगे। तो चलिए पीछे का एक बार रिवीजन हल्का कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे पीछे हम लोग पढ़े थे आई थैंक यू, जब जोड़ना हो किस तरह से तो जोड़ा जाता है इस तरह से। फिर आएगा आई थिंक यू विल बी, इस तरह से जोड़ा जाता है, जोड़ने का आएगा सीखेंगे इस तरह से है, जो पहले पीछे आप लोग सीख चुके हैं। और आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। रिवीजन जो कर रहे होंगे उनको कोई आगे तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं कर रहेंगे वो आगे दिक्कत होगा, इसलिए रिवीजन बेहद ज़रूरी है। आगे है आई हैव द, इस तरह से सीखे थे आई हैव द, इस तरह से आई हैव हैड, इस तरह से सीखे थे। तो वो सब चैप्टर था, अब आगे आते हैं। चलिए ग्रामोलक्स बताते हैं। ग्रामोलक्स में आपका है, पीछे जो ग्रामोलक्स पढ़े वो अलग है, फिर आगे आप आगे चैप्टर ग्रामोलक्स है तो इसमें अलग आप चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए पहला ग्रामोलक्स है थैंक, THANK, थैंक दोस्तों लिखाता है लाइन के ऊपर TH, लाइन के ऊपर TH, यही थैंक दिया जाएगा THANKED, थैंक लग जाएगा इसमें, तो इसमें इसको वहीं पर लिखेंगे लेकिन इसको काट देंगे, ये हो गया थैंक्ड। फिर है आपका थिंक, THINK, थिंक आएगा तो ये लाइन पर होगा, थिंक आएगा ये लाइन पर होगा, ठीक है, और इसके नीचे डॉट देंगे, थिंक लाइन पर और नीचे डॉट देंगे। फिर यहीं पर दे आता है THEY, तो दे के बीच में डॉट देते हैं, थिंक में नीचे देते हैं, ठीक। देम आएगा THEM, देम आएगा तो देम के लिए छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ध्यान देंगे थैंक लाइन के ऊपर, थैंक्ड लाइन के ऊपर थोड़ा सा काट देंगे, थिंक लाइन पर डॉट दे देंगे नीचे, दे लाइन के ऊपर लाइन पर बीच में डॉट देंगे, और देम लाइन के लाइन पर, लेकिन कुछ भी उसमें डॉट नहीं देंगे। फिर है आपका वाज, तो वाज है तो वाज इस तरह से होता है, से है इसी तरह होता है, से के लिए डॉट देंगे पीछे, ठीक, से है वाज है। फिर इसी तरह होता है हुज, हुज है लाइन कट जाएगा, ध्यान देंगे फिर से लाइन दोनों कटेगा तो हम सेम बराबर में, ठीक, वाज है लाइन पर, से है लाइन के पीछे से दे दिए, और हुज है लाइन काट दिए, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें सैल, SHAL, तो सैल है लाइन पर लिखेंगे, सैल SH जो होता है उसी से बनता है सैल, पतला ही होगा इस तरह। फिर विश, विश है तो इसी को लाइन काट देंगे, सैल लाइन पर विश लाइन कटेगा, ध्यान देंगे दोस्तों ये बेहद जरूरी है। फिर है आपका विथ,
विथ इस तरह बनाएंगे सी जैसा ऊपर छोटा सा, वेल इसी को नीचे ला देंगे लाइन पर, वेल फिर वाट इसको ऊपर कर देंगे इस तरह कर देंगे, इसको पलट देंगे वाट, फिर होगा वुड, ये ही लाइन पर ये लाइन पर आ जाएगा वुड। ठीक इसी तरह आपका है ओ ओ ओ एच डब्लू ई ओ डब्लू ई, ओ डब्लू ई ये तीनों के लिए डॉट इस तरह देते हैं जो ऑन लिखते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है कि ये डार्क होता है, ऑन जो होता है हल्का होता है। ठीक ये हो गया आपका ऑन, यही आ जाता है लाइन पर तो बट हो जाता है। ठीक फिर नीचे आपका दिया हुआ है, एक को दिया हुआ है ही, एक ठो ही हम लोग इस तरह पढ़ें। ठीक और एक ठो ही होता है इस तरह जो बट होता है जिस तरह, लेकिन ये कभी भी आएगा ही, ये जब भी आएगा दो के बीच में आएगा, जिसे इफ ही, इफ ही वर तो क्या करेंगे, इफ ही वर लाइन कट का हो जाएगा, यही ही का यूज है। चलिए अब आगे इसमें लिखा हुआ है जो उसका रिवीजन करते हैं किस तरह से। ये आप लोग का ग्रामलॉक्स था और ग्रामलॉक्स के बाद इसमें जितना चीज सीखे आप उसका रिवीजन दिया हुआ किस तरह से रिवीजन किया जाए आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह इसको लिखना होता है, इसे लिखा हुआ है आई मे बी, अब इसमें आई एम तो पढ़े हैं आप, उसको बताएंगे किस तरह से, विथ यू ऑन मंडे द 4th of May लिखा हुआ है, इफ़ यू विल बी रेडी वेन आई कम आई शैल बी हैप्पी टू गेट राइड विथ यू टू द शो, फिर नीचे लिखा हुआ है आई थिंक यू विल इंजॉय राइड एंड यू मे टेक ए फेयर शेयर गेम, फिर लिखा हुआ है हाउ डू यू लाइक द न्यू बुक, इसी तरह आगे लिखा हुआ है आई थिंक यू विल राइट टू कम अवे वेन यू विल फीलिंग वरी, इसी तरह लिखा हुआ है, सब देख कर लिखा जा लिखना होता है, रिवीजन किया होता है, लिखते एक एक लाइन दो दो लाइन लिख देख कर लिखिएगा तो रिवीजन आपका होगा, तब आप लिख पाइएगा। ठीक 10 तक दिया हुआ है, चलिए तो आगे इसको बताते हैं इसमें क्या अंतर है। अब जैसे आप पढ़े हैं आई एम, आई एम इस तरह पढ़े हैं, आई एम इस तरह पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है और इस तरह किया हुआ है, तो आई एम के साथ तो बी कभी आएगा नहीं, बी ई कभी आएगा नहीं, इसीलिए आई मे बी, तो आई एम से छूट आएगा बी नहीं आता, तो आई मे बी है। फिर है विथ, इसी में जोड़ देता है तो विथ यू होता है, विथ यू जो यू का आउटलाइन ये होता था, ये विथ का इसमें जोड़ दिया, तीन तरफ बना दिया, और इसी तरह पहले हिंदी में लिखते थे छः इस तरह, तीन लिखते हैं इस तरह, तो छः जो लिखते हैं तो इसमें तीन लिखते हैं, ये छः है तीन लिखते हैं, तब इसमें क्या है, ये होता है वाट यू, वाट यू ये हो गया वाट का, वाट और यू इसी तरह लिखा जाता है। और इसके बाद आगे आप लोग इसमें देखकर रिवीजन करेंगे, फिर आगे इसमें दिया हुआ 22 चैप्टर में वो क्या है बता दे रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है देख लेंगे, इसके बाद इसमें लिखना कोशिश करेंगे क्या है, तो वाई वाई डू यू, वाई डू यू थिंक थिंक, तो वाई इस तरह हो गया, डू हो गया, यू हो गया, थिंक
थिंकी इस तरह हो गया, ही वाज हो गया, अवेयर अवेयर हो जाएगा, डबल आर इसी में रहेगा, ऑफ द लाइकली लाइकली हो जाएगा, फेल्योर 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 हो जाएगा, ऑफ द फिल्म ये हो जाएगा। इसी तरह दिया हुआ आई थिंक यू फॉर द ट्यूब 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 है ट्यूब ट्यूब यू इधर लग गया ट्यूब ऑफ ऑफ कॉलर इसे दस लिखा हुआ है। आप लोग देख के इसको रिवीजन कीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखकर लिखना बेहद ज़रूरी है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेकर देखकर लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, एक वर्ड को दो लाइन तीन लाइन में लिखेंगे तभी कुछ हो सकता है। नहीं रिवीजन कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। बेहद ज़रूरी है रिवीजन करना। तो चलिए आप लोग समझ में आया होगा आशा करते हैं। और आप समझ गए तो अपने दोस्तों को भी समझाइए, इसको पढ़ाइए बताइए, या फिर आप शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद।